गुड मॉर्निंग हिमाचल इज ब्रॉट यू बाय असीस फीड एंड एचपीएमसी। गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। किन्नौर के लिए बुरी खबर, कोरोना पॉजिटिव के दो मामले, 26 को दिल्ली से आए थे दोनों। मां की रिपोर्ट नेगेटिव, बेटी फिर पॉजिटिव, अब दोबारा 5 दिन बाद लिया जाएगा सैंपल। बिना सुरक्षा उपकरणों के आग बुझा रहे फायर वॉचर और फॉरेस्ट गार्ड, जिम्मेदार अधिकारी नदारद। अब कम होने लगा कोरोना का खौफ, बाजारों में बढ़ रही रौनक। मेडिकल कॉलेज नेर चौक में प्रदेश का सबसे बेहतर ब्लड सेंटर, विदेशों से मंगवाए हाईटेक उपकरण। अब समाचार विस्तार से। किन्नौर के लिए बुरी खबर है, मंगलवार देर रात किन्नौर में कोरोना पॉजिटिव के दो मामले सामने आए हैं। आईजीएमसी शिमला में भेजे गए 110 सैंपल की रिपोर्ट में से 107 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि दो पॉजिटिव मामले तथा एक सैंपल रिपीट हुआ है। इन दोनों पॉजिटिव मामलों की ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। इन्हें उर्नी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। आज उन्हें रिकांगपियू डेलीगेटेड कोविड केयर सेंटर सराया भवन में शिफ्ट किया गया। ये दोनों संक्रमित किन्नौर जिला के सांगला के रहने वाले हैं। 26 मई को अपने निजी वाहन से दिल्ली से किन्नौर आए थे। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष और महिला की उम्र 40 वर्ष है। बहुत दुख भरी सूचना है, क्योंकि अभी तक हमारे जिला किन्नौर में कोई भी कोविड 19 का केस नहीं आया था, लेकिन पिछले कल देर रात जो हमारे पास जो हमने सैंपल्स भेजे थे उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें से दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल कुल 110 सैंपल भेजे गए थे जिनकी टेस्टिंग हुई है, उनमें से 107 नेगेटिव है और जो है दो सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, और एक जो बच्ची का सैंपल है वो इनकनक्लूसिव है और उनके जो दोबारा से उसके हम सैंपल ले रहे हैं। ये जो दो पॉजिटिव आए हैं ये सांगला से हैं, एक पुरुष है 44 वर्ष का, एक महिला है 40 ईयर्स की, हस्बैंड वाइफ है ये, और एक इनकी बेटी जो है जिनका इनकनक्लूसिव आया हुआ है, दोबारा से उनका जो सैंपल लिया जाएगा। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो दिल्ली से है, ये दिल्ली में बेस्ट पटेल नगर में रहते थे, और जो ये मेल है ये वहां पे किसी कंपनी में नौकरी करता था। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर भाई तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है, रातों रात नहीं पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का भी नाश करते हैं। पापा जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला सिरमौर में कोरोना वायरस के एक्टिव दो मामलों में से एक नेगेटिव हो गया है। पौंटा साहिब के हरिओम कॉलोनी में रहने वाली महिला और उसकी 7 साल की बेटी की तीसरी फॉलोअप रिपोर्ट में महिला तो नेगेटिव हो गई, लेकिन बच्ची की रिपोर्ट इस बार भी पॉजिटिव ही रही है। फिलहाल दोनों सराह कोविड 19 अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि महिला को छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन संभावना है कि वह बेटी के पूरी तरह स्वस्थ होने तक घर नहीं आएगी। बच्ची का फिर से 5 दिन बाद सैंपल लिया जाएगा। पिछली 4 मई को महिला अपने दो बच्चों के साथ दिल्ली के शाहदरा स्थित अपने मायके से पौंटा साहिब लौटी थी। स्वास्थ्य विभाग ने 12 मई को महिला और उसकी 7 साल की बेटी के सैंपल लिए थे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एचपीएमसी लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल एचपीएमसी का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंगलवार देर शाम 6वीं बीट के संगीटियाला जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर मीडिया की टीम मौके पर पहुंची। वहां आग बुझाते हुए फायर वॉचर व फॉरेस्ट गार्ड के साथ स्थानीय लोग दिखाई दिए। हैरानी की बात यह है कि वन कर्मी बिना सुरक्षा उपकरणों व जरूरी साजो सामान के ही आग में कूदते नजर आए। हालांकि स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस बीच सूचना देने के बाद भी संबंधित बीओ मौके पर नहीं पहुंच सके।
रेंज ऑफिसर रत्नी देवी ने दूरभाष पर बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही फॉरेस्ट गार्ड व बीओ को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। बीओ कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे थे, इसके बाद उन्हें मौके पर ही रहने के निर्देश दिए गए थे। मेरा घर इधर नजदीक है, मैंने इधर से देखी आग लगी हुई, फिर मैंने अपना फायर वेचर को फोन किया ना जी। जी जी। फिर उसी टाइम मैं भी आ गया और इधर से ही आ गए और ये लगे हुए थे अपने। अच्छा, लेबर वाले हैं। ये लेबर वाले लगे हुए थे। तो आपने कैसे कंट्रोल किया आग को? बस ये छछरे वगैरह लिए अपने। अच्छा सर, आपने ये? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। ये लाइन बनाई, फायर लाइन जो बोलते हैं इसको। क्या नाम है आपका? मेरा राजमल है। आप फॉरेस्ट गार्ड? हाँ जी, डिप्टी गार्ड सच में। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर आग बुझाने आपको सूचना दी किसी ने? हाँ जी, फायर वॉच ने बोला। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या उपकरण दिए विभाग ने? फिलहाल कुछ नहीं है ये, मतलब। हाँ जी, ये मतलब सेफ्टी के लिए कोई उपकरण आपके पास? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं, बस ये आपने झाड़ियाँ उठाई झाड़ियों के साथ इसके साथ, और ये दंटाल्टी होगी। अच्छा, फायर वॉचर है। अनलॉक होने के बाद कांगड़ा जिला के पंचरुखी में रौनक बढ़ने लगी है। लोगों में धीरे धीरे कोरोना का खौफ कम होने लगा है। पहले निगम की बसें सड़कों पर दौड़ने लगी, साथ ही प्रशिक्षण के बाद सैलून, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग की दुकानें खुल गईं। सभी सामाजिक दूरी के साथ कोविड 19 के नियमों की पालना कर रहे थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार कुछ लापरवाह नजर आए। लंबे समय के बाद दर्जनों लोग कटिंग के लिए समय लेते नजर आए। बाजार में लोग मास्क पहने खरीदारी करने पहुंच रहे थे। बाजार में वाहनों की आवाजाही होती रही, वहीं पुलिस गश्त लगाती रही। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नहर चौक का ब्लड सेंटर प्रदेश का सबसे उम्दा और हाईटेक ब्लड सेंटर है। तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च करके जुटाए गए हाईटेक उपकरणों और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इस ब्लड सेंटर का शुभारंभ पिछले सोमवार को हुआ है। ये ब्लड सेंटर पूरी तरह से एयर कंडीशन है, जिसमें मौसम के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। डोनर के लिए ट्रिपल मोटर डोनर काउचिंग की व्यवस्था की गई है। ब्लड सेंटर में 300 प्लस यूनिट रक्त को स्टोर करने की कैपेसिटी है। कई उपकरण स्वीडन जैसे देशों से मंगवाए गए हैं। ब्लड सेंटर के अंदर क्या है तमाम व्यवस्थाएं बता रही हैं ब्लड सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर ऋचा गुप्ता। हाई टेक लेवल पर बना हुआ है। इस ब्लड बैंक में सबसे बड़ी बात है कि एरिया वाइज, स्पेस वाइज काफी ज्यादा यहाँ पर डोनर्स अरेंजमेंट एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम काफी ज्यादा प्रावधान है। उसके अलावा हमारा ब्लड बैंक कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन्ड है, जिसके माध्यम से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल और इन्फेक्शन कंट्रोल यहाँ पर बना हुआ है। ये सुविधा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध है, और इसके साथ हमारी जो मशीनें हैं वो भी काफ़ी हाईटेक हैं, जैसे कि ब्लड कलेक्शन मॉनिटर जो आज का सबसे एडवांस है वो हमने मंगवाया हुआ है। हमारे डोनर काउचेस जो ट्रिपल मोटर्ड हैं, जो कि पहले हैं हिमाचल में जो ट्रिपल मोटर्ड डोनर काउचेज आए हैं, जिसमें हाइट एडजस्टमेंट बैक आगे पीछे और फुट लेग रेस्ट हो जाता है, और ऐसे टाइम पे अगर डोनर को एकदम से बेहोशी आती है, फेंट होना हो, तो हम ब्रेक लगा के उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे ले आते हैं। फुट एंड रेज हो जाता है और डोनर बैक में चला जाता है विद इमीडिएट इम्पैक्ट। इसके अलावा हमारे पास टेस्टिंग की जो मशीनें हैं, एलाइजा हमारा लेटेस्ट है, और रैपिड किट्स की यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी ली गई है। एडवांस किट्स मंगवाई गई हैं जलंधर से, और जो ये डोनर काउचेस हैं ये भी हमारे बाहर के आए हुए हैं, केरला से आए हुए हैं। जो रेफ्रिजरेटर्स हैं टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए, ये भी हमारे काफ़ी एडवांस्ड हैं। इसमें एक हफ्ते तक आपका टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो सकता है। अगर इस दौरान बिजली चली जाती है और हम मॉनिटर करते हैं अगले दिन भी, तो हमें पता चल जाता है कि इस घंटे इतने मिनट तक यहाँ पर लाइट नहीं थी। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।